थी अच्छा थी दोस्तों आप जी, जी बोलो बोलो यार एक प्राइवेट चैट में लिंक शेयर किया है तो गालिब भाई इसको मैं चाह रहा था जो कमेंट्स एक बिचारी जर्नलिस्ट है अफगानिस्तान की अफगानिस्तान में थी कैसे गंदे गंदे कमेंट्स दिए हैं उसके बारे में आप वो शेयर कर सके प्राइवेट चैट में मैंने भेजा है वो प्ले नहीं करने की जरूरत वीडियो हालांकि जियो का है वो अच्छा मैं दो तीन मैं कमेंट्स बताना चाह रहा हूं और उसमें मैं पढ़ लूंगा मेरे पास और भी खुला हुआ ये देखें इसमें ये जो कमेंट्स नीचे दिए हैं एक है कमेंट आप नीचे आए थोड़ा सा और उर्दू में आएंगे कमेंट्स क्या देखें अब ये आईडी है लव पाकिस्तान झंडा बना हुआ पाकिस्तान का ठीक है ये प्रेजेंटेशन है कि पाकिस्तान के अक्सरियत क्या सोचती है औरतों के बारे में ये लिखते हैं अब ये औरत भी आप दिखा दिएगा बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस में थी मालिज कुछ भी नहीं दिख रहा था एक्सेप्ट फेस ठीक है लिखते हैं मैं पढ़ता हूं ये मेरा जसम मेरी मर्जी वाली घटिया औरत झूठ बोल रही है क्योंकि अब इन लिबरल का अफगानिस्तान में चमड़ी का कारोबार नहीं चलेगा यानी जिसम फरोशी का इस वजह से इसके पेट में मड़ोर उठ रहे हैं आप उस लड़की ने सिर्फ ये बताया था कि मैं सहम गई हूं एज ए जर्नलिस्ट मुझे खौफ है सिर्फ इतनी सी बात की थी उसपे उसने प्रोस्टिट्यूशन का इल्जाम लगा दिया आप देख रहे हैं झंडा पाकिस्तान का नीचे लिखता है है कौर, है एक औरत हयादार इस्लाम को कैसे सपोर्ट कर सकती हालांकि उसने तालिबान की ऐसी बात नहीं की थी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी फिर नीचे लिखा गया रोका नहीं गया पर अपने झूठ से बाज नहीं आएगी आप इस लड़की को सिर्फ शक्ल दिखा दें इसने क्या पहना हुआ था जो इसको बोल रहा है आप ऊपर आए इस इसपे आपको आई डोंट थिंक स्ट्राइक का सुनाए मत आ रहे होंगे ये आगे करें इसका सिर्फ फेस दिखा दें क्या पहना हुआ है इस लड़की ने नहीं तो, इसको। नहीं कितना लग है। हाँ। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं चैनल्स पर तो जो ये बोल रहा है ना कि ये जो हुआ है मीनारे पाकिस्तान में इसमें पाकिस्तान बड़ा लड़की के साथ है कमेंट्स में तो मुझे नजर नहीं आ रहा अक्सर चैनल्स पर जिनके दो दो चार चार मिलियन सब्सक्राइबर हैं अगर हाँ कोई बात नहीं अगर नहीं आता okay, no है आ गया ये देखिए इसने क्या क्या इसके पास है जिसको इतना नीचे गालियां पड़ी है कमेंट्स में कपड़े तो उसके क्या पहना है फेज दिख रहा है फेस दिख रहा है उस पर इसको इस्लाम का दुश्मन ये बताया गया है ठीक है अच्छा अब मैं आ जाता हूं दो तीन जो पॉइंट मैंने नोट किए जो हालिया ए, मसले चलते हैं जो अक्सर कॉल्स आती है ना चाहे वो गालिब भाई के पास आए हारिस के पास या आपके पास या और भी जो भी सही प्योर रैशनल थिंकर चैनल्स हैं आपको पता है फेक चैनल्स बड़े घूम रहे हैं तो हम ये जो है ना जो जो रैशनल थिंकर है वो मुकाबला कर रहे होते हैं अमराज से अमराज का यह अप्रोच गलत है आप कंपेयर करें इलाज से पूरी दुनिया में होते हैं ठीक है रेप पूरी दुनिया में होते हैं कोई ये नहीं कह सकता कि फला कंट्री में रेप नहीं हुआ आप कंपेयर जुर्म को नहीं करो आप कंपेयर करो इंसाफ को अगर वेस्ट में एक लड़की को किसी ने हरास किया होगा वो अकेले थाने जाएगी रिपोर्ट लिखवाएगी पुलिस उसके साथ पूरी तरह इंसाफ करेगी ये हमारा एक क्या बोलते हैं फीलिंग्स है इंसाफ के बारे में वेस्ट में जब ही लोग मरना असल में इंसाफ की ना एहसास होना चाहिए लोगों में लाबेल भी जहां रह रही होगी लाबेल को डर नहीं है कि इंसाफ नहीं मिलेगा हम बात करते हैं इंसाफ से मुकाबले की हम जुर्म की बात नहीं कर रहे होते जुर्म को काउंट भी नहीं किया जा सकता कई घरों में जिस जिनसी जाति होती है कि आपको पता होता है नहीं पता होता है लेकिन इंसाफ को कंपेयर करो मिसाल के तौर पर आप ये देखो कैंसर का इलाज कौन सा अच्छा अस्पताल करता है आप देखो तो कैंसर का अच्छा इलाज वेस्ट में होता है क्यों क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट का फंक्शन कर रही है एक तो ये बात हो गई दूसरी बात अब मैं रैप अप करता हूं अक्सर चैनल जो हैं जैसे नीरज का है संजय दीक्षित का है, और भी चैनल सॉरी हाँ ज्यादातर चैनल जो है ना अपने स्क्रिप्चर्स की तारीफों में लगे होते हैं इंसानी हकूक पे बात नहीं कर रहे होते हैं लोग अगर ये चैनल इंसानी हकूक जो आप लोग काम कर रहे हो करने लग जाए ना तो दुनिया ज्यादा तेजी से बेहतर होगी वरना स्लो प्रोसेस है आखिरी बात के इस्लाम की मैं लास्ट पॉइंट देना चाहता हूं आप अग्री करें या करेंग्री करें इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है लेकिन हर मुसलमान पॉलिटिकल नहीं होता ठीक है इस्लाम के दो तीन हिस्से हैं एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो बहुत कम लोग हैं जैसे तालिबान हो क्या लेकिन आम मोमिन ज्यादातर तो इबादतों तो में लगा रहता है इस्लाम का दूसरा रुख है सोशल आइडियोलॉजी सोशल आइडियोलॉजी से मैं समझता हूं तकरीबन हर मोमिन इफेक्ट होता है जहां उसको चार शादियों की भी इजाजत है जहां औरत को वो एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट भी समझ रहा है तो हमारा मुकाबला पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ज्यादा सोशल आइडियोलॉजी है कि हर क्या हमारे मेरी बहनों को तो नहीं पता कि कुरान में जंग के बारे में क्या लिखा है लेकिन उनको यह पता है कि पर्दा करना चाहिए तो हमें हर मोमिन को ना एक सोशल आइडियोलॉजी से नफरत नहीं करनी चाहिए हमें मुकाबला करना चाहिए कि जो सोशल आइडियोलॉजी इस्लाम की वो भी खतरनाक है जैसे लॉन्डी रखना औरत को शादी सेक्स को शादी से कंडीशन कर दिया है ठीक है इस पर मैं कहना चाह रहा था कि हमें थोड़ा इस्लाम को भी समझना पड़ेगा और स्टॉप हेटिंग मुस्लिम्स स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग